हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे फार्म में चिक्स आ गए हैं। आज इनका ये दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं बच्चे काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं। अभी तक तो कोई मोर्टिलिटी खास कुछ वैसा आया नहीं है। ये मैं देख सकते हैं कि मैंने ये जो ब्रूडिंग किया था, ये मैंने स्क्वायर शेप का ब्रूडिंग किया था। स्क्वायर शेप में दिक्कत यह आ रही थी कि बच्चे जो थे वो कॉर्नर में चले जा रहे थे, कोने में काफ़ी जमा हो जा रहे थे। तो फिर मैंने ये ईंटें लगा करके इस कॉर्नर को बंद किया है, जिससे बच्चे कॉर्नर से ना रह करके इधर बीच वाले स्पेस में रहें। कॉर्नर में बच्चे जाएंगे, जमा हो जाएंगे तो मोर्टिलिटी काफ़ी हो जाएगी, इससे काफ़ी दिक्कत आएगी नए नए फार्मर्स को। तो मैंने ये कॉर्नर को ईंटें लगा करके ये बंद कर दिया है। अभी मैनुअल हाथ से ही हम लोग दाना और पानी लगा रहे हैं। अभी ऑटोमेटिक ड्रिंकर और फीडर का यूज़ नहीं किए हैं। ऑटोमेटिक ड्रिंकर और फीडर का यूज लगभग 10 दिनों बाद करेंगे। अभी स्पेस इतना ही रखा है, 4 से 5 दिन के बाद थोड़ा स्पेस मुझे बढ़ाना होगा। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, मैं स्पेस वैसे वैसे बढ़ाते चला जाऊँगा। देख सकते हैं बच्चे को अच्छे से दाना और पानी दिया जा रहा है। प्रॉपर टाइम पे दाना पानी दे रहा हूँ। अभी तक तो कोई परेशानी आई नहीं है, कोई दिक्कत अभी तक हुआ नहीं है, ना ही कल से आज तक में कोई मोर्टिलिटी हुई है। तो दोस्तों, इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। मैं 3-3 दिन का वीडियो डालूँगा नेक्स्ट में। 3-3 दिन के अंदर जो रिज़ल्ट आएंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगा। हर 3 दिन के बाद एक वीडियो डालूँगा, जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बच्चों में क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, हर चीज़, हर वो छोटी बड़ी बात मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।